प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनते ही कैबिनेट में बड़े फैसले एलजी ने शुरू कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 3 महीने तक मुफ्त राशन देने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया, उसके बाद भी आज गोरखपुर से वाराणसी तक उड़ान सेवा का उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। हंगामा टाइम्स न्यूज आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कि आखिर किस तरह से गोरखपुर से वाराणसी तक अब उड़ान सेवा भी लोगों को मिलने वाली है। काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा घाट मौजूद है और आज यहाँ आना स्पाइस जेट ने और भी ज्यादा आसान कर दिया है। गोरखपुर में भी हम बहुत से हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख जगहों के लिए प्रसिद्ध हैं और आज स्पाइस जेट ने अपनी नई उड़ान के साथ इन्हें भारतवर्ष के साथ, दुनिया वर्ष के साथ कनेक्ट किया है। SpiceJet is the pioneer of regional connectivity, team. The airline operates 63 flights under Uran and it connects 15 Uran destinations to various parts of the country. And I thank all of you for joining us. Main bahut aabhaar vyakt karna chahungi hamare honorable union minister of civil aviation, Jyotiraditya Sindhya ji, jo ki Gwalior se hamare saath jud rahe hain. Saath hi saath main shukriya adaa karna chahungi honorable chief minister of Uttar Pradesh, श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन श्रीमती उषा पाटी जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पाइस जेट श्री अजय सिंह जी और साथ ही साथ गोरखपुर में उपस्थित सभी गणमान्य मंत्री सदस्य। और आज इस खास शुरुआत के लिए मैं चाहूंगी कि श्री अजय सिंह जी पीएमजी स्पाइस जेट हमारे साथ और हमारे दर्शकों को कुछ खास बातों के साथ इस दिन का शुरुआत करें। सर आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य संजय जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, आप सबका बहुत स्वागत है स्पाइसेस के इस खास फंक्शन में। आज स्पाइसेस की ओर से 8 नई फ्लाइट्स का उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं। इन फ्लाइट्स में से कई फ्लाइट्स उत्तर प्रदेश के लिए फ्लाइट्स हैं, तो गोरखपुर और वाराणसी के बीच में पहली बार ये कनेक्शन हवाई जहाज के थ्रू किया जा रहा है। इसके साथ साथ कानपुर और वाराणसी का कनेक्शन भी आज पहली। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गोरखपुर में स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी, नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त सचिव समेत नागर विमानन विभाग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, स्पाइस जेट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के
कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी दो महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है, हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज इसने आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज जब हम लोग चित्रकूट में सोनभद्र जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एयरपोर्ट का बनना, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने जहां पर सर्वाधिक अपने आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास व्यतीत किए थे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्रियाशील होना और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो, लखनऊ हो या हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी कहते हैं। वायु सेवा न केवल व्यक्ति के आवागमन को आसान करती है बल्कि वहां के समग्र विकास को भी एक नई गति देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर विकास की जो एक नई दौड़ प्रारंभ हुई है, इसमें यहां पर विकसित हुए एयरपोर्ट्स और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही यह सब संभव हो पाया है। रोजगार के अनेक संभावनाएं विकसित हुई हैं, पर्यटन के अवसर विकसित हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 6 गंतव्यों तक की ये वायु यात्रा, वायु सेवा का प्रारंभ होना इस विकास की कहानी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्पाइस जेट परिवार को, जिन्होंने शुरू से ही इस सेक्टर में अच्छी रुचि दिखाई है, आज वह हम सब के सामने भी है और मैं बार बार इस बात को मानता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब गोरखपुर की पहली वायु सेवा हमें प्रारंभ करनी थी, उस समय सभी सर्वे कहते थे कि गोरखपुर में पैसेंजर नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कहता था कि भी गोरखपुर में पर्याप्त मात्रा में पैसेंजर हैं, मिलेंगे। मैंने तो एक बार, मैं उस समय गोरखपुर से सांसद था और उस वक्त मैंने नागर विमानन मंत्रालय के साथ इस बारे में कहा था, मैंने कहा उस समय उड़ान योजना नहीं थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई आप अपना एक ATR गोरखपुर दिल्ली के बीच में चलाइए, अगर यात्री कम पड़ेंगे तो बाकी जितनी सीटें खाली होंगी उनकी भरपाई मैं स्वयं करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय गोरखपुर दिल्ली के बीच एक निजी एयरलाइंस को वायु सेवा प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी, बहुत सफल थी और आज गोरखपुर देश के अंदर जो ये सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है, मुझे लगता है ये 12वीं वायु सेवा है जो गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ रही है। ऐसे ही अन्य शहरों को भी जोड़ने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अभिनंदनीय है। गोरखपुर के नागरिकों को और गोरखपुर से यात्रा करने वाले उन सभी यात्रियों के लिए यात्रा तो सुगम बनेगी ही, आसान यात्रा के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को जितना बेहतरीन और आसान बनाने का कार्य कर रहा है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश को मिल रही वायु सेवा की ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश को भी देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से
ज्योतिरादित्य जी आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं सीएमडी स्पाइस जेट श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की अन्य शहर भी हमारे बहुत शीघ्र वायु सेवा के साथ जुड़ करके विकास की एक नई कहानी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे। आज गोरखपुर में जो यात्री इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, उन सबकी एक शुभ यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर आज उत्तर प्रदेश से और देश के विभिन्न शहरों से जुड़ रहे हैं। यह जो आसान जुड़ाव वायुमार्ग से हो रहा है, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में शुभ अवसर पर आभार व्यक्त करने की सौभाग्य मुझे मिला है। सबसे पहले मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय को, जिन्होंने अपना समय हमको दिया, बहुमूल्य समय हमको दिया। उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो भारत सरकार के नागरिक विमानन नीतियों के दिशा निर्देशों पर अपना स्वतंत्र एक नीति लागू की है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे विकसित हो रहे हैं। आपके इस विजन को, दूरदर्शिता को, यशस्वी नेतृत्व को हमारी आभार व्यक्त करते हैं। मैं अभी हमारी जो नागर विमानन परिवार के मुखिया है, जो माननीय नागर विमानन के केंद्र मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके कुशल मार्गदर्शिता और कार्यनिष्ठता के कारण हमारे देश हवाई सेवा से ऐसे जुड़ रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी इसी सोच को और उनकी प्रेरणा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो गण्यमान्य अतिथि गोरखपुर में उपस्थित है, अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमको प्रेरणा दिए। उन शासक महोदय को और उनके साथ जो उपस्थित है सबको मैं मेरी आंतरिक धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगी। मेरी धन्यवाद स्पाइसजेट के जो अध्यक्ष है और उनके एयरलाइन के सभी टीम के लिए, जो उड़ान कार्यक्रम को सफल बनाने में हमेशा अग्रणीय स्थान पर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो उड़ान कार्यक्रम सफल बनाने में स्पाइसजेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में भी इसी टाइप का आपकी असिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो राज्य सरकार के अधिकारीगण हैं, आईएएफ के अधिकारीगण हैं, एआई के कर्मकर्ता लोग हैं और मीडिया के बंधुगण हैं और जो सभी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसमें योगदान दिए हैं, उन सभी को मंत्रालय की तरफ से मैं हृदयपूर्वक आदर आभार व्यक्त करना चाहूंगी, ज्ञापन करना चाहूंगी। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।